अपने लास्ट लेक्चर में अपने इंसेक्ट एग की बात की थी, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जीव के अंडा की संरचना का निर्माण कर सकते हैं, उसका उसकी डिटेल स्टडी जो है की जा सकती है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि ये जो चीजें हैं इनके बारे में अगर अपने को पता है, पित्त की मात्रा के आधार पर अंडा किस प्रकार का होता है, पित्त के वितरण के आधार पर अंडा किस प्रकार का होता है, कवच के आधार पर अंडा किस प्रकार का होता है, भविष्य के आधार पर अंडा किस प्रकार का होता है, अंडे झिल्लियां कौन कौन सी पाई जाती है, अगर इन सभी बातों का अगर अपने को ध्यान हो तो अपन आसानी से किसी भी जीव के अंडे की संरचना का विकास कर सकते हैं, संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, तो उसी के अंतर्गत अपन ने इंसेक्ट एग की अपन ने यहां पर चर्चा कर, अब इसके आगे पर हम चर्चा करेंगे। इंसेक्ट एग के बारे में अपन बात करते हैं, फ्रॉग। मेंढक के अंडे की अपन बात करते हैं, मेंढक का अंडा। देखिए इसके स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, इसकी बात अपन करेंगे, तो वही बात है कि इन सभी के बारे में अपने को जानकारी होगी तो अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पित्तक की मात्रा के आधार पर फ्रॉग का अंडा कैसा होता है, फ्रॉग का अंडा किस प्रकार का होता है, तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर पित्त की मात्रा के आधार पर अंडे चार प्रकार के होते हैं, एलेसिकल, माइक्रोलेसिकल, विजोलेसिकल और पॉलीलेसिकल। तो अगर पित्त की मात्रा के आधार पर बात की जाए तो फ्लोग का अंडा जो होता है वो कैसा होता है, विजोलेसिकल होता है। मैंने विजोलेसिकल के एग्जाम्पल के अंदर आपको बताया था कि फ्लोग का अंडा जो होता है वो कैसा होता है, विजोलेसिकल होता है, मतलब उसके मध्यम जो पित्तक है वो उसके अंदर पाया जाता है, न ज्यादा होता है न कम होता है, या अपन यूं कहें कि आधे भाग पित्तक अंडा जो है अंडे के आधे भाग में पित्तक पाया जाता है। तो ये पित्तक की मात्रा के आधार पर बात की जाए तो पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडा जो होता है फ्रॉग का वो कैसा होगा, विजोलेसिकल, विजोलेसिकल। और विजोलेसिकल को हिंदी में बोलते हैं मध्यम पित्त, मध्यम। पित्त की मात्रा के आधार पर फ्रॉग का जो अंडा होगा, फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक का जो अंडा होगा वो मेंढक का अंडा कैसा होगा, मेंढक का अंडा पित्त की मात्रा के आधार पर मध्यम पित्त के प्रकार का हो। उसके बाद में चर्चा करते हैं पित्त के वितरण के आधार पर अंडा। तो पित्त के वितरण के आधार पर अंडे पांच प्रकार के होते हैं, आइसोलेसिकल, पीलोलेसिकल, मॉडरेट पीलोलेसिकल, सेंट्रोलेसिकल और पेरिलेसिकल। जिसमें मैंने आपको बताया था ध्यान हो तो कि मेंढक का जो अंडा होता है वो होता है मॉडरेट पीलोलेसिकल। कैसा होता है, मॉडरेट पीलोलेसिकल, मॉडरेट पीलोलेसिकल। मॉडरेट पीलोलेसिकल को हिंदी में कहते हैं मध्य गोलार्ध पित्त। कैसा, मध्य गोलार्ध पित्त, मध्य गोलार्ध पित्त। गोलार्ध की तरह मध्य जो है वो पित्तक जो होता है वो पित्तक पाया जाता है। पित्तक का वितरण की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए मेंढक का अंडा हो उसमें आधे भाग में पित्तक होता है, आधे भाग में पित्तक नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि किस प्रकार का हो गया, वितरण के आधार पर अगर बात की जाए तो वितरण के आधार पर मेंढक का जो अंडा होगा वो मध्य गोलार्ध पित्त की होता है। उसके बाद में आते हैं कवच के आधार पर। देखिए मेंढक अंडा तो बाहर देगा लेकिन जलीय माध्यम में देता है, और मैंने आपको बताया था कि जलीय माध्यम में देने वाले जो अंडे होते हैं उनके ऊपर कवच नहीं पाया जाता है,
और जिस पर कवच नहीं पाया जाता वो किस प्रकार के होते हैं, नॉन कीटोइड एग्स है। तो कवच के आधार पर ये कैसा हो गया, कवच के आधार पर ये हो गया नॉन कीटोइड, नॉन कीटोइड, नॉन कीटोइड, ठीक है, नॉन कीटोइड हो गया। या अपन कहें एकोसी या एकवच, एकवची या एकोस, क्योंकि इसके ऊपर कवच नहीं पाया जाता। ओके, नेक्स्ट बात कीजिए कि भविष्य के आधार पर, देखिए भविष्य के आधार पर अगर मेंढक के अंडे की बात की जाए तो वो अनिर्धारित होगा, एडिटरमिनेट कैसा होगा, एडिटरमिनेट, एडिटरमिनेट, और एडिटरमिनेट या नॉन डिटरमिनेट कह सकते हो, और जिसका हिंदी में बोल सकते हैं अनिर्धारित, क्या हो जाएगा अनिर्धारित, फिर बात की जाए तो ये कैसा हो जाएगा अनिर्धारित। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में यानी झिल्लियों की बात की जाए, एग मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए, एग मेम्ब्रेन, देखिए एग मेम्ब्रेन की बात की जाए तो आपको बताया था मैंने कि तीन प्रकार की झिल्लियां होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन किसी भी जीव के अगर अंडे की बात की जाए तो उसमें दो से ज्यादा अंड झिल्लियां किसी भी जीव के अंडे में मौजूद नहीं होती। तो कहने का मतलब होगा कि इसमें दो झिल्लियां पाई जाएंगी, प्राथमिक और द्वितीयक हो सकती हैं, या प्राथमिक और तृतीयक हो सकती हैं, या द्वितीयक और तृतीयक हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो मेंढक जो है उस मेंढक में किस प्रकार की अंड झिल्लियां पाई जाती है, तो देखिए प्राथमिक झिल्ली में मेंढक पर विटेलाइन झिल्ली पाई जाती है, तो एक तो पाई जाएगी कौन सी, प्राइमरी मेम्ब्रेन, कौन सी पाई जाएगी, प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राइमरी मेम्ब्रेन जिसको अपन कहेंगे प्राथमिक झिल्ली। कौन सी, प्राइमरी, प्राइमरी में कौन सी पाई जाएगी, विटेलाइन मेम्ब्रेन, कौन सी पाई जाएगी, विटेलाइन मेम्ब्रेन, और विटेलाइन मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक, क्या कहा जाता है, प्राथमिक। चलिए पित्तक झिल्ली, विटेलाइन मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे अपन, पित्तक झिल्ली। प्राथमिक झिल्ली कौन सी होगी, यहां पर पित्तक झिल्ली पाई। उसके बाद देखिए द्वितीयक झिल्ली की बात करते हैं तो वहां पर कोरोना रेडिएटा है और कोरियोन है। देखिए कोरोना रेडिएटा और कोरियोन जो है इसके ऊपर नहीं पाई जाती है, तो इसके ऊपर कौन सी पाई जाती है, इसके ऊपर पाई जाती है टर्सरी, और टर्सरी में जेली एनोलॉग्स होगा उसके ऊपर पाया जाएगा। तो नेक्स्ट कौन सी पाई जाएगी इसमें, टर्सरी, टर्सरी मेम्ब्रेन जो होगी वो टर्सरी मेम्ब्रेन पाई जाएगी, और जिसको अपन तृतीयक झिल्ली बोलेंगे, और वो कौन सी होगी आपकी, जेली एनोलॉग, जेली एनोलॉग जिसको अपन कह सकते हैं, जेली आप, जेली अब। तो एक फ्रॉग के एग की बात करें तो फ्रॉग का एग की संरचना जो होगी वो इस प्रकार की होगी कि फ्रॉग का या मेंढक का अंडा होगा वो पित्तक की मात्रा के आधार पर मध्यम पित्त की प्रकार का होगा, पित्तक के वितरण के आधार पर मेंढक का अंडा मध्य गोलार्ध पित्त की होगा, पित्तक सॉरी कवच के आधार पर मेंढक का अंडा एकवचीय होगा, भविष्य के आधार पर बात की जाए तो मेंढक का अंडा अनिर्धारित प्रकार का होगा, अन्य झिल्लियों की बात की जाए तो पित्तक का अंडा जो होगा उसके अंदर प्राथमिक अंड झिल्ली और तृतीयक अंड झिल्ली पाई जाती है, प्राथमिक की बात करें तो विटेलाइन मेम्ब्रेन, और टर्सरी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जेली एनवेलोप या जेली आवरण जो है वो पाया जाता है। ओके, अब अगर इस मेंढक के अंडे को बनाया जाए तो देखिए इसकी कुछ संरचना कुछ इस प्रकार से अंडे को देखने को मिलती है, जिसमें अभी जैसा कि बताया कि इसके आधे भाग के अंदर तो पित्तक होगा और आधा जो भाग होगा वहां पर पित्तक नहीं होता है। तो ये जो आधा भाग हो गया है उसको तो अपन क्या बोल देंगे, योग वाला भाग, और ये जो आधा भाग जहां पित्तक नहीं है इसको अपन क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में तो इसी भाग के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा।
इसके अलावा मेंढक का जो अंडा होता है उस मेंढक के अंडे में जो साइटोप्लाज्म वाला भाग होता है जहां पे पिगमेंट होता है वहां पर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, मेलेनिन पिगमेंट्स जो है वो मेलेनिन पिगमेंट्स यहां पर पाए जाते हैं। मेलेनिन पिगमेंट्स जो है वो मेलेनिन पिगमेंट्स यहां पर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और मेलेनिन पिगमेंट्स के कारण इसका आधा जो भाग होता है वो कैसा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है थोड़ा ग्ले के कलर का। इसके जिस भाग में पिगमेंट नहीं पाया जाता है उसको कहा जाता है एनिमल पोल, एनिमल पोल, और जिस भाग में पिगमेंट पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है वेसिकल पोल कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे वेसिकल पोल। एनिमल पोल को हिंदी में कहते हैं सक्रिय भ्रूण, सक्रिय भ्रूण कहेंगे, और वेसिकल पोल को फिर क्या कहेंगे हिंदी में निष्क्रिय भ्रूण कहेंगे, क्या कहेंगे निष्क्रिय भ्रूण कहा जाएगा। ओके, विकलन कहां होगा, विकलन हमेशा एनिमल पोल पर होता है, सक्रिय भ्रूण पर होता है, जहां पिटक होता है वहां विकलन नहीं होता है, बहुत कम। अब बात क्या है कि सर ये मध्यम पीठ की हो गया, मध्य गोनाद पीठ की हो गया, आधे भाग में पाया जा रहा है, कवच होता नहीं है, एयर मेम्ब्रेन दो होती है, प्राइमरी होती है टर्सरी होती है, तो इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होगी एक मेम्ब्रेन जो होगी वो तो कौन सी हो जाएगी आपकी प्राइमरी मेम्ब्रेन, इसके बाहर आप मेम्ब्रेन बना सकते हो जिसको अपन कहेंगे एक मेम्ब्रेन जो होगी वो तो कौन सी हो जाएगी आपकी प्राइमरी मेम्ब्रेन हो जाएगी। ओके, और इसके बाद फिर एक दूसरी मेम्ब्रेन ऊपर से हो रहेगी जिसको अपन कौन सी बोलेंगे टर्सरी मेम्ब्रेन, अंदर की साइड में कौन सी होगी प्राइमरी मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको बताया था कि प्राइमरी मेम्ब्रेन का निर्माण स्वयं अंडाणु करता है। ओके, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन की अपन बात कर रहे हैं ये तो कौन सी होगी M1 होगी, M1 का मतलब क्या हो गया प्राथमिक, और प्राथमिक मेम्ब्रेन अंडे में कौन सी पाई जाती है विट्रेलाइन मेम्ब्रेन, पित्तक झिल्ली होगी, कौन सी झिल्ली होगी पित्तक झिल्ली होगी, और सबसे बाहर जो पाई जा रही है वो कौन सी हो जाएगी M3, कौन सी है टर्सरी मेम्ब्रेन है M3 हो जाएगी, M3 को अपन क्या बोलेंगे तत्क, और M3 कौन सी है जेली एनवलप, मतलब जेली आवरण, जेली आवरण। ओके, तो ये अगर ये इस प्रकार की संरचना की अपन बात करें तो ये संरचना किसकी होगी फ्रॉग की होगी, कि फ्रॉग जो है उस फ्रॉग की संरचना अपन बनाएंगे तो उसका आधा भाग होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, आधा भाग होगा वहां पर क्या होगा योग पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म वाला जो भाग होता है वहां पर विघटन होगा, विघटन कहां नहीं होगा विघटन पित्तक जहां पर होता है वहां विघटन नहीं होगा, और यहां पर कुछ विशेष प्रकार के मेलेनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसके कारण से इसका अंडे का आधा भाग थोड़ा ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जिस स्थान पर योग पाया जाता है उसको वेस्टर्न पोल कहते हैं, जहां पर योग नहीं पाया जाता योग का मतलब पित्तक उसको अपन एनिमल पोल कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि चूंकि इसके ऊपर जेली आवरण पाया जाता है इसलिए मेंढक के झुंडे होते हैं आपस में चिपके होते हैं, और जब ये चिपकी हुई अवस्था के अंदर गमन करते हैं तो इसको स्पान कहा जाता है, क्या कहते हैं स्पान। मेंढक के झुंडे होते हैं और जैसे कि मेंढक जो होता है वो मादा मेंढक अंडे कहां देता है जल में देगा, और इनके ऊपर चूंकि जेली आवरण पाया जाता है तो जेली आवरण एक चिपचिपा आवरण होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके कारण से इसके जो अंडे होते हैं वो चिपके हो रहते हैं ग्रुप के अंदर रहते हैं, और जब ये पानी के साथ में बहाव के साथ में ये गतिशील हो जाते हैं अंडे तो उसको कहां क्या कहा जाता है वहां पर स्पान कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे स्पान जो है वो स्पान उसको कहा जाएगा। किसके कारण से जेली आवरण के कारण मेंढक के अंडे आपस में चिपक, अगर लिखा जाए तो यहां पर आप नोट लगा के लिख सकते हो कि जेली एनवलोप के कारण मेंढक के अंडे आपस में चिपक कर या आपस में चिपक जाते हैं,
जेली अनुरोध के कारण मेंढक के अंडे आपस में चिपक जाते हैं और समूह में और एक समूह का निर्माण करते हैं, चिपक जाते हैं और एक समूह ग्रुप का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं जिसे स्पान कहते हैं, जिसे स्पान कहते हैं। जेली अनुलोम के कारण मेंढक के अंडे जो होते हैं वो आपस में चिपक कर समूह बनाते हैं और इस समूह को क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं। देखिए जेली आवरण जो होता है ये काम क्या करता है, जेली आवरण जो होगा वो एक तो जो मेंढक के अंडे होते हैं उनको पानी पर तैरने में सहायता करता है, इसमें वायु भरी रहती है और वायु भरी रहने के कारण से ये जो अंडे होते हैं उनको ये वहां पर तैरने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा जेली आवरण एंटी बैक्टीरियल होता है और स्वाद में जो है वो टेस्ट लेस होता है, स्वाद नहीं होता है, इसलिए कोई भी जीव जो होता है वो आसानी से इसको खाने की चेष्टा जो वो नहीं करता। तो जेली अनुलोम जो है इसके बाहर कहा जा रहा है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो चिपक कर एक समूह बनाता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, इसमें वायु भरी रहती है और ये इसको तैरने में क्या करता है, सहायता करता है। कौन? ये जेली आवरण। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए मेंढक के अंडे की तो ये मेंढक का जो अंडा होता है उसकी संरचना का निर्माण हम इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई आपके मेंढक के अंडे, क्लियर। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं इसको मदद कर रहा हूं। अपन एक कीट के अंडे की बात कर ली, मेंढक के अंडे की बात कर ली, इसी प्रकार से और जीवों के अंडे भी बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं और मैं बात करता हूं ह्यूमन एग, ह्यूमन एग, और ह्यूमन एग मतलब मानव का, मानव का अंडा। देखिए मनुष्य का अंडा किस प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं, चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात यह कि मनुष्य का अंडा अपेक्षा की मात्रा के आधार पर किस प्रकार का होता है, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जो अंडा माता के गर्भ में रहता है, जो अंडा शरीर से बाहर नहीं दिया जाता उसमें पित्तक की मात्रा बहुत ही कम या नगण्य होती है। तो इस आधार पर मनुष्य का जो अंडा होगा वो कैसा होगा, एलेसिथल, कैसा होगा, एलेसिथल, जिसको अपन कहते हैं एपी। पित्तक की मात्रा के आधार पर मनुष्य का जो अंडा होगा वो किस प्रकार का होगा, एपीपी होगा, कि इसमें पित्तक की मात्रा नगण्य होगी। ध्यान रखना कई जगह पर आपको माइक्रोलेसिकल लिखा हुआ भी मिल सकता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों की धारणा है कि दुनिया में ऐसा कोई अंडा नहीं है जिसमें पित्तक की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। तो इस आधार पर जो है वो एलेसिथल ना बोलकर उसको माइक्रोलेसिकल कह देते हैं, ठीक। तो इस दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, एपीपी और एपिथी नहीं है तो आप उसको माइक्रोलेसिकल भी आप कह सकते हो। तो एपिथी अंडा होता है किसका, मनुष्य का, मानव का, और एपिथी अंडे का मतलब होगा कि ऐसा अंडा
जिसमें पित्तक क्या होता है, नगण्य मात्रा में उपस्थित। नंबर दो, अगर वितरण के आधार पर बात करें तो चूंकि अंडा पित्तक बहुत है ही नहीं या बहुत कम है, तो इसका मतलब किस प्रकार से वितरित रहेगा, समान प्रकार से वितरित रहेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल, या कह सकते हो होमोलेसिथल, होमोलेसिथल, और जिसको हिंदी में कह सकते हैं संपीतकी। क्या कहते हैं, संपीतकी उसको कह सकते हैं कि समान रूप से वो क्या होता है, उसके अंदर वितरित रहता है, तो अपन इसको संपीतकी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, कवच की बात की जाए, कवच के आधार पर चूंकि मनुष्य का अंडा शरीर से बाहर नहीं दिया जाता है, और जिन जीवों का अंडा शरीर से बाहर नहीं दिया जाता है उनके ऊपर कवच नहीं पाया जाता है, और कवच नहीं पाया जाएगा तो अंडा किस प्रकार का होगा, कवच नहीं पाया जाएगा तो अंडा नॉन टिल्डोई प्रकार का होगा। तो नेक्स्ट बात करें कवच के आधार पर, तो कवच के आधार पर मनुष्य का अंडा नॉन टिल्डोई टाइप का होता है, नॉन टिल्डोई, एकोसी, या कहें एकवचीय, एकवच। ओके, कवच के आधार पर हमने बात की। नेक्स्ट बात करेंगे भविष्य के आधार पर। देखिए मनुष्य जो होता है, मानव की बात की जाए तो मानव में उस भ्रूण का जो भविष्य होता है वो विदलन के बाद निर्धारित होता है, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, उसके बाद में उनमें निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया के बाद विदलन की क्रिया चालू होती है। तो विदलन की क्रिया के पश्चात जो होगा वो इसके अंदर क्या होता है, इसका भविष्य निर्धारित होता है। तो इसलिए ये कैसा हो गया, नॉन डिटरमिनेट, कैसा हो गया, नॉन डिटरमिनेट, नॉन डिटरमिनेट बोल सकते हो या अडिटरमिनेट बोल सकते हो, और जिसको अपन हिंदी में कहेंगे अनिर्धारित, नॉट निर्धारित, अनिर्धारित, कैसा होगा, नॉन डिटरमिनेट होगा, अनिर्धारित होगा। अनिर्धारित का मतलब ऐसे अंडे जिसके अंदर भ्रूण का भविष्य विदलन के बाद निर्धारित होता है, निषेचन से पहले निर्धारित नहीं होता, निषेचन के बाद निर्धारित होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, नॉन डिटरमिनेट। उसके बाद में क्या आता है, अंड झिल्लियां। अब देखिए कौन कौन सी अंड झिल्लियां पाई जाएंगी मनुष्य में, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन की बात करें तो हम कह सकते हैं अंड झिल्लियां। जैसा कि आपको बताया कि दो झिल्लियां पाई जाएंगी, तीन झिल्लियां, तीन अंड झिल्लियां किसी भी जीव के ऊपर नहीं पाई जाती है, केवल दो झिल्लियां ही पाई जाएंगी। दो में प्राथमिक द्वितीयक हो सकती है, प्राथमिक तृतीयक हो सकती है, द्वितीयक तृतीयक हो सकती है, कोई भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो देखिए एक प्राथमिक की बात करें तो विट्रिलाइन मेम्ब्रेन मनुष्य में नहीं पाई जाती है, जोना रेडिएटा, जेलिकॉर्न और जोना पेलिसुडा, तो इनमें से कौन सी पाई जाती है मनुष्य में, जोना पेलिसुडा पाई जाती है। इसका मतलब होगा कि प्राथमिक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है मनुष्य में, तो यहां पर अपन लिखेंगे प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राइमरी मेम्ब्रेन, और प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी होगी, जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा मेम्ब्रेन जो होती वो पाई जाए। इसके अलावा बात करें तो द्वितीयक में कोरोना रेडिएटा पाई जाती है मनुष्य में, तो मतलब सेकेंडरी भी पाई जाती है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, कौन सी, कौन सी, कोरोना, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो तृतीय झिल्ली जो होगी वो इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। मनुष्य में दो अंड झिल्लियां पाई जाती है, तो प्राथमिक अंड झिल्ली पाई जाएगी और एक द्वितीयक अंड झिल्ली पाई जाएगी। प्राथमिक अंड झिल्ली की बात करते हैं तो प्राथमिक अंड झिल्ली में जोना पेलिसुडा पाई जाएगी, और द्वितीयक झिल्ली की बात करते हैं तो द्वितीयक झिल्ली जो है वो कोरोना रेडिएटा पाई जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से ये मनुष्य के अंडा जो है उसकी संरचना का निर्माण अपन कर सकते हैं।
कि मनुष्य का अंडा जो होता है वो गैर पित्तकी प्रकार का होता है, जिसमें पित्तक नगण्य मात्रा में होता है। वितरण के आधार पर बात करें तो मनुष्य का अंडा सब पित्तकी प्रकार का होता है, कि थोड़ा बहुत जो पित्तक होता है वो समान रूप से वितरित रहता है। मनुष्य का अंडा चूंकि शरीर से बाहर नहीं दिया जाता है, इसलिए इसके ऊपर कवच नहीं पाया जाता है, इसलिए कैसा होता है, नॉन क्लेडोइड होता है। दूसरी बात करें कि इसका भविष्य निषेचन के बाद, मनुष्य में भ्रूण का भविष्य जो होता है वो निषेचन के बाद निर्धारित होता है, इसलिए नॉन डिटर्मिनेट या इंडिटर्मिनेट प्रकार का होता है। अन्य झिल्लियों की अगर बात की जाए तो मनुष्य में दो अन्य झिल्लियां पाई जाती है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक कौन सी पाई जाती है, प्राथमिक में झोना पेनिनसुला पाई जाती है, और द्वितीय अन्य झिल्ली की बात करें तो उसमें कौन सी पाई जाती है, कोरोना रेडिएटा जो है वो पाई जाती है। अगर मनुष्य के अंडे की बात करें तो मनुष्य का अंडा जो होता है वो भी अपन निर्मित कर सकते हैं, कि मनुष्य का अंडा जो होगा वो कुछ इस प्रकार का अंडा अपने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसमें पित्तक जो होता है वो पित्तक तो आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, पित्तक बहुत भी कम होगा और है तो आपको भी क्या होता है पूरे में फैला रहे, ये साइटोप्लाज्म होगा, यहां पर क्या होगा पित्तक। इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्राइमरी मेम्ब्रेन होगी, इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन हो जाएगी ये कौन सी मेम्ब्रेन हो जाएगी, यहां पर ये यहां पर प्राइमरी कौन सी मेम्ब्रेन, प्राइमरी जिसको मैं कह सकता हूं M1, M1 को हम क्या कहेंगे, जोना पेनिनसुला। कौन सी मेम्ब्रेन, प्राइमरी मेम्ब्रेन, और प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी है, जोना पेनिनसुला। ओके इसके बाद में इसके ऊपर पाई जाएगी एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको अपन कौन सी बोलेंगे, सेकेंडरी मेम्ब्रेन। इसके ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन पाई जाएगी और ये जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है, ये होगी M2 सेकेंडरी मेम्ब्रेन। और सेकेंडरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है, उसमें कोरोना रेडिएटा कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटा। और इसके ऊपर जो है वो उत्तक कोशिकाएं पाई जाती है। आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि कई अंडे जो होते हैं एक ओम की अगर बात करते हैं तो एक ओम उजनेसिस की क्रिया में एक का निर्माण होता है, बाकी जो है वो इसके चारों तरफ आकर क्या हो जाती है, एकत्र हो जाती है, ठीक है, फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल सेल्स अपने से कहते हैं। तो इस प्रकार का जो अंडा होगा वो अंडा किसका होगा, वो अंडा होगा मनुष्य का अंडा होगा, या अपन कहें ह्यूमन का जो अंडा होगा वो इस प्रकार का देखने को मिले, है ना। तो कोरोना रेडिएटा जो होता है वो कोरोना रेडिएटा की उत्तक कोशिकाएं आपस में हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। किसके द्वारा, ये आपस में जुड़ी है किसके द्वारा, हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा आपस के अंदर क्या होती है, जुड़ी रहती है, जिसे जंतु सीमन कहते हैं, एनिमल सीमन इसको कहा जाता है, जंतु सीमन कहा जाता है इसको, एनिमल सीमन। क्या कहा जाता है, जंतु सीमन कहा जाता है, एनिमल सीमन जो है उसको कहा जाता है। ओके तो कोरोना रेडिएटा जो है, कोरोना रेडिएटा की पुटक कोशिकाएं होती हैं, ये पुटक कोशिकाएं आपस के अंदर क्या होंगी, जुड़ी रहती हैं, किसके द्वारा, हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा, इसलिए इसको अपन जंतु, इस अम्ल को अपन क्या कह सकते हैं, जंतु सीमन भी कहा जाता है, ये जो हाइलुरोनिक अम्ल होता है उसको जंतु सीमन भी कहा जाता है। तो ये इसके अंदर M1 और M2 प्राइमरी मेम्ब्रेन और सेकेंडरी मेम्ब्रेन, ये यहां पर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा और ये फॉलिकल सेल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो अंडा होगा वो किसका होगा, मनुष्य का अंडा होगा। एपित्की, संपित्की, एकोक्षीय, अनिर्धारित, अनिर्धारित अंड जोना पेनिनसुला, प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा, और इस प्रकार से इसका डायग्राम जो है वो बना सकता है। इन सब के बारे में डिटेल अपन पहले पढ़ चुके हैं कि
एपिथी का मतलब क्या होता है, संपिथी का मतलब क्या होता है, एएसी का मतलब क्या होता है, एनिधारी का मतलब क्या होता है, अंजलियां, इन सब के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो उसी प्रकार से अपन इनके बारे में डिटेल्स में वो लिख सकते हैं। तो ये आपका ह्यूमन का एड अपन ने चर्चा यहां पर की है। ओके, ह्यूमन के बाद में नेक्स्ट अपन और बात करते हैं, एक आधे एग्जांपल जो है अपन और लेते हैं। देख लीजिए इसको, ओके चलिए चलते हैं अपन आगे आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन केयर की बात हो चुकी है, मैं रख करता हूं उसको। अपने कीट का अंडा कर लिया, मनुष्य के अंडे की अपने बात कर ली, मेंढक के अंडे की अपने बात कर ली। चलिए अब अपन करते हैं मुर्गी के अंडे की बात। मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा, तो जिस प्रकार से अपन ने कीट के अंडे, मेंढक का अंडा और मनुष्य के अंडे की बात की है, उसी प्रकार से अपन मुर्गी के अंडे की संरचना का भी वर्णन अपन यहां पर करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपन आगे की ओर और सबसे पहले बात करते हैं पित्तक की मात्रा के आधार पर। तो पित्तक की मात्रा के आधार पर मुर्गी का अंडा कैसा होता है? सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मुर्गी का अंडा, मुर्गी अंडा शरीर से बाहर देती है या अंदर? तो आपको पता होगा कि मुर्गी अंडा जो शरीर से बाहर त्याग है, और अपन ने लगभग सभी ने मुर्गी का अंडा देखा है। तो शरीर से बाहर अगर कोई भी जीव अंडा देता है तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर पित्तक क्या होगा, ज्यादा मात्रा में पाया जाए। जो भी जीव अपने अंडे शरीर से बाहर देता है उनमें पित्तक क्या होता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाए। और अगर किसी अंडे में पित्तक ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अति पीत की अंडा या पोलीलेसिटल एग। तो देखिए यहां पर पोलीलेसिटल, तो पित्तक की मात्रा के आधार पर मुर्गी का अंडा कैसा हुआ, पोलीलेसिटल। कैसा हुआ, पोलीलेसिटल। कैसा हुआ, पोलीलेसिटल। और पोलीलेसिटल को हिंदी में कहते हैं अति पीत। क्या कहते हैं, अति पीत। पित्तक की मात्रा के आधार पर मुर्गी का जो अंडा होगा, पित्तक की मात्रा के आधार पर मुर्गी का अंडा किस प्रकार का होगा, पॉलीलेसिटल प्रकार का होगा, अतिपित्त के प्रकार का। नंबर दो बात आती है कि जिसमें पित्तक की मात्रा ज्यादा होती है उसमें क्या होगा कि उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब हो सकता है वो साइटोप्लाज्म सेंटर में हो सकता है वो साइटोप्लाज्म गोलार्ध में हो या सतह पर हो। तो जहां पर अपन ने इनकी बात की थी, इनके एग्जाम्पल की बात की थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि मुर्गी का जो अंडा होता है वो टीलोलेसिकल प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें जो योग होता है वो पूरे अतिपीत की है, पूरे अंडे में फैला रहेगा और एक छोटा सा भाग ऐसा रह जाता है जहां पर पित्तक नहीं होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जर्मिनल डिस्क कहते हैं। तो इस आधार पर मुर्गी का अंडा किस प्रकार का हो गया, टीलोलेसिकल, इस प्रकार का हो गया, टीलोलेसिकल हो गया। और टीलोलेसिकल को अपन हिंदी में कहते हैं गोलार्ध पीत की हो गया। कैसा हो गया, गोलार्ध पीत की हो गया। ओके, किस प्रकार का होगा, गोलार्ध पीत की होगा। तो पित्त के वितरण का आधार पर अंडा कैसा होगा, गोलार्ध पीत। नंबर तीन बात आती है कवच के आधार पर। देखिएगा कि कवच से अगर मुर्गी का अंडा जो है, मुर्गी अंडा कहां देती है, शरीर से बाहर देती है,
और शरीर से बाहर अंडा दे रही है, तो इसका मतलब होगा कि स्वाभाविक बात है कि उसके ऊपर क्या पाया जाएगा, कवच पाया जाएगा। और जिस अंडे पर कवच पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं क्लीडोइक। तो ये मुर्गी का अंडा कैसा हो जाएगा, क्लीडोइक, कैसा, क्लीडोइक हो जाएगा, क्लीडोइक हो जाएगा। क्लीडोइक अपन क्या बोल सकते हैं, कवची हो जाएगा, कवची, या अपन कहें सैकुश, क्लीडोइक। ओके, नेक्स्ट बात की जाए भविष्य के आधार, तो देखिए भविष्य के आधार पर बात की जाती है तो मुर्गी का जो अंडा होता है वो कैसा होता है, नॉन डिटरमिनेट, नॉन डिटरमिनेट होता है, नॉन डिटरमिनेट। एंड आपको बताया था कि अधिकांश कशेरुकों की बात की जाए तो कशेरुकों के अंदर जो है वो निषेचन के बाद में विचलन, जो निषेचन के बाद में भ्रूण का भविष्य निर्धारित होता है, इस आधार पर बात करें तो ये नॉन डिटरमिनेट हो गया, या फिर कहें कि एग डिटरमिनेट हो गया। और अगर मेम्ब्रेन की बात की जाए, एग मेम्ब्रेन की बात की जाए तो नंबर 5 आ जाएगा आपका एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन मतलब अंडझिल्ली, एग मेम्ब्रेन अंडे पर पाई जाने वाली झिल्लियां, दो झिल्लियां पाई जाएंगी, चाहे प्राइमरी और सेकेंडरी हो, चाहे सेकेंडरी और टर्शियरी हो, चाहे प्राइमरी और टर्शियरी। तो देखिए मुर्गी का जो अंडा होता है उसके अंदर पक्षी हो, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें अंडा प्राथमिक, देखिए एक प्राथमिक पाया जाए और प्राथमिक के अंदर देखो यहां लिखा हुआ विटेलाइन, पित्तक झिल्ली जो होगी वो पित्तक झिल्ली इसके अंदर पाई जाए। तो एक तो कौन सी मेम्ब्रेन होगी, प्राइमरी मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन होगी, प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राथमिक झिल्ली। और प्राथमिक झिल्ली में कौन सी पाई जाएगी, विटेलाइन मेम्ब्रेन, कौन सी, विटेलाइन मेम्ब्रेन मतलब पित्तक झिल्ली, कौन सी झिल्ली, पित्तक झिल्ली पाई जाएगी। अंडे झिल्लियों में एक तो होती है प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राथमिक झिल्ली पाई जाएगी, और प्राथमिक में कौन सी, विटेलाइन मेम्ब्रेन, या फिर कहें पित्तक झिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीयक, कोरोना रेडिएटा कोरियम नहीं पाई जाती, फिर कौन सी पाई जाती है, टर्शियरी झिल्ली, कौन सी, टर्शियरी, टर्शियरी मेम्ब्रेन जो होती है वो टर्शियरी मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और टर्शियरी मेम्ब्रेन में कौन सी पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल पाई जाएगी, सेल बिल्कुल पाई जाएगी, एल्बुमिन ये भी पाई जाएगी। तो कौन कौन सी पाई जाएगी इसके अंदर अगर बात की जाए, तीन पाई जाएगी, एक तो होगी इसमें सेल जो सबसे बाहर कवच होता है, एक सेल मेम्ब्रेन जो इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और एक सबसे अंदर की बात की जाए तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, एल्बुमिन पाया जाए, एल्बुमिन पाया जाए। तो इस प्रकार से कहा जाए कि सेल, सेल का मतलब क्या हो गया, कवच, और सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो कवच की झिल्ली हो जाएगी, कवच की झिल्ली, और ये एल्बुमिन पाया जाए। तो इस आधार पर मुर्गी का जो अंडा है उसके मुर्गी के अंडे की संरचना का विकास भी अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि मुर्गी का अंडा जो होगा वो पित्तक की मात्रा के आधार पर किस प्रकार का होगा, पित्तक की मात्रा के आधार पर मुर्गी का अंडा अतिपित्त की प्रकार का होगा। और अतिपित्त के अंडे वे अंडे होते हैं जिनमें पित्तक की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। पित्तक के वितरण के आधार पर अंडा जो होता है टीलोमेसिस होगा, कि मुर्गी का अंडा होता है उसके अधिकांश भाग में पित्तक पाया जाता है, केवल एक छोटा सा भाग, एक गोलार्ध वाला भाग जो है वो बचता है एनिमल पोल पर, जिसको जर्मिनल डिस्क कहा जाता है, वहां पर पित्तक नहीं पाया जाता है और वितरण भी वही होगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, गोलार्ध। अगर बात की जाए कवच के आधार पर तो मुर्गी का अंडा के ऊपर कवच पाया जाता है, क्योंकि मुर्गी अपना अंडा जो है शरीर से बाहर देती है, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, किसका कवच पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ये क्लीडोइक है। नेक्स्ट भविष्य के आधार पर बात की जाए तो मुर्गी जो होती है उसकी बात करें तो उसमें भविष्य, उसके भ्रूण का भविष्य निषेचन के बाद निर्धारित होता है, इसलिए कैसा हो गया, नॉन डिटरमिनेट हो गया। कशेरुकों की बात करें तो उनके अंदर
भ्रूण का भविष्य होता है निषेचन के बाद, दो विकल्प के बाद निर्धारित होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए एग मेम्ब्रेन की बात की जाए तो देखिए दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्राथमिक और एक तत्व। प्राथमिक की जहां बात करेंगे तो प्राथमिक में विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको अपन पित्तक झिल्ली कहते हैं, और तत्व की बात करें तो उसके अंदर एक तो कवच पाया जाता है, एक कवच या झिल्लियां पाई जाती है, एक मेन उसके अंदर पाया जाता है। ओके, अब इसके अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ड्रामेटिकली रूप से अपन इसको देखते हैं कि मुर्गी का अंडा इस प्रकार का होता है। देखिए
देखिए अगर मुर्गी के अंडे की अगर बात की जाए तो मुर्गी का जो अंडा होता है वो कुछ इस प्रकार की संरचना उसकी देखने को मिलती है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो ये जो हार्ट की बात करें गोलार्ध की पिति बताया चुकी मुर्गी के अंडे को टीलोमेरेशन तक, अपन ने कहा है कि मुर्गी का अंडा अति पित्त की प्रकार का होता है पॉलीवेसिकल होता है, और पॉलीवेसिकल है तो इसका मतलब होगा कि पित्त की मात्रा यहाँ पर क्या होती है ज्यादा होती है, तो चूंकि पित्त की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए ये भाग तक ज्यादा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा तो भाग होगा जहां पर पित्तक जो है वो पित्तक नहीं पाया जाता है, जिस भाग को जर्मिनल डिस्क कहा जाता है या हिंदी में कहें तो जननिक बिंब कहा जाता है, और विदलन जो होगा वो विदलन कहा होता है यहीं पर पाया जाता है। याद रहे कि इस जर्मिनल डिस्क से छोटी सी संरचना जो होती है वैसी संरचना लड़की रहती है जिसे लेटेबरा कहा जाता है, और इसके चारों तरफ जो होता है वो योग पाया जाता है मतलब पित्तक पाया जाता है, और पित्तक मैंने बताया था दो प्रकार का होता है, एक येलो मतलब पीला पित्तक और एक व्हाइट मतलब कौन सा पित्तक सफेद पित्तक, ठीक है प्रोटीन और वसा का मतलब। तो अब इनकी बन बात करते हैं यहाँ पर अल्टरनेट रूप में पाया जाता है एकांत क्रम में, जैसे पीला फिर व्हाइट पीला फिर व्हाइट पीला फिर व्हाइट पीला फिर व्हाइट पीला फिर व्हाइट, इस प्रकार से एकांत क्रम के अंदर जो है वो योग जो होंगे वो योग पाए जाए। इसके बाहर की हम बात करते हैं तो यहां पर जो है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्या पाई जाती है पित्तक झिल्ली पाई जाएगी विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाए, और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की बात करते हैं तो यहां पर पाया जाएगा एल्बुमिन, तरसी मेम्ब्रेन की बात करें तो कौन सा एल्बुमिन, एल्बुमिन के बाहर में ये वाला जो भाग होगा वो कवच होगा, कौन सा कवच होगा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाया जाता है सेल पाई जाती है कवच पाया जाता है, और इस स्थान विशेष के ऊपर बात करते हैं तो यहां पर एयर स्पेस पाया जाता है। देखिए एयर स्पेस ये बात बताता है कि अंडा कितना पुराना है, अंडा जितना पुराना होगा उतना ही एयर स्पेस क्या होता जाता है ज्यादा होता जाता है, ठीक। तो ये एयर स्पेस किसके मध्य पाया जाता है कवच और कवच झिल्ली जो होगा उसके मध्य में एयर स्पेस पाया जाता है। अंडा जो होता है मुर्गी का उसको अपने को देखने पर यह लगता है कि इसमें किसी प्रकार के कोई भी छिद्र नहीं है, लेकिन मुर्गी का अंडे का जो कवच होता है उसके ऊपर काफी असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, माइक्रो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें से होकर अंडा जो होता है उस अंडे को या अपन कहेंगे कि उसमें ऑक्सीजन पहुंचती रहती है जिससे कि उसमें अंडे में जो मौजूद जो गुण है उसको क्या मिलता रहेगा अवशोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो योग बॉल होती है योग बॉल का मतलब जो ये पित्तक पाया जाता है इसको दोनों साइड के अंदर एक संरचना के द्वारा एक कुंडलित संरचना एक रसिनुमा संरचना के द्वारा जो है वो स्थिर रखा जाता है जिससे कि वो क्या हो ये बॉल घूम न जाए, इसको क्या कहा जाता है चेलेजा जो है वो चेलेजा उसको कहा जाता है। ओके तो अपन कह सकते हैं कि मुर्गी के अंडे का ऐसा भाग जहां पित्तक नहीं होता है उसे जर्मिनल डिस्क कहा जाता है, और शेष अंडों की बात करेंगे उसके अंदर पित्तक भरा रहता है जिसमें पीला पित्तक और सफेद पित्तक जो है वो एकांत क्रम में पाए जाते हैं। दूसरी बात करें कि अंडाणु के मध्य में सफेद पित्तक का बना हुआ अंडाणु के मध्य भाग की बात करते हैं तो ये अंडाणु का जो मध्य भाग है यहां पर यह सफेद पित्तक का बना हुआ एक भाग पाया जाता है, सफेद पित्तक का बना हुआ एक गोलाकार भाग पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है जिसे लेटेबरा कहा जाता है, और अंडाणु के चारों तरफ क्या पाई जाती है अंडाणु में इसके चारों तरफ यहां पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है यहां पर पित्तक झिल्ली जो होगी वो पित्तक झिल्ली पाई जाएगी। अंडाणु के चारों तरफ की बात की जाए तो अंडाणु के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाएगी योग कौन सी मेम्ब्रेन विटेलाइन मेम्ब्रेन विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होगी वो विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, और पित्तक झिल्ली के बाहर इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर तीन तरह की झिल्लियां पाई जाती हैं कौन कौन से एल्बुमिन सेल मेम्ब्रेन और सेल मतलब एल्बुमिन कवच झिल्ली और कवच जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए कि एल्बुमिन जो होता है वो एल्बुमिन में ये एल्बुमिन हो गया इस एल्बुमिन में एक सर्पिलाकार संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है जिसे चेलेजा कहा जाता है, क्या कहा जाता है चेलेजा उसको कहा जाता है जो अंडाणु को
उष्मायन के लिए ऊपर उठाया रखता है, अंडाणु कवा उपअंडाणु के लिए ऊपर उठाया रखता है, जिससे इसको हीट जो है वो हीट जो मिलते रहे, उष्मायन की अपन बात करते हैं वो मिलती रहे। तो इस प्रकार से मुर्गी का